कहाँ से लेके गया, विन प्रेडिक्टर पे 15% इंडिया था और 85% पाकिस्तान था, अकेला वन मैन आर्मी वहाँ से खींच के लेके गया ये जिम्बाब्वे, ऐसा सोच सकता है कि वहाँ से कोई लेके जा सके आगे? क्या कहेंगे आप? मैं भी फिर विराट को चूज कर लेता हूँ। वो भी भाई विराट की तरफ हो गए। क्रिकेट का बादशाह विराट कोहली है भैया। आपको पता है बाबर आजम के इंस्टाग्राम पे फॉलोवर कितने हैं? 3-4 मिलियन हैं भैया। आपको पता है 247 मिलियन फॉलोवर है उसके, हमारे विराट कोहली का। आप बात कर रहे हैं बाबर आजम? हाँ यार, अब आपको मुंह खुला रह जाए, ये बंद नहीं होना, ये बाबर आजम ने बल्ला दे के बंद कर दे रहा है। अगर आप फिनिशर की बात करेंगे और पावर हिटिंग की बात करेंगे तो डेफिनेटली विराट कोहली। देखो तो बेन स्टोक्स एक नाम है, एबी डिविलियर एक नाम है, एमएस धोनी एक नाम है, कोहली एक नाम है, ठीक है ना। ये आपके जिम्बाब्वे जुम्बूबर जो हैं ये जिम्बाब्वे के खिलाफ थोड़ा बहुत चल के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा यार, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर 6 बॉलर में 5 विकेट चाहिए उन कौन से बैट्समैन चूज करोगे, बाबर आजम या विराट कोहली? बाबर तो नहीं, कभी भी नहीं, विराट कोहली ऑब्वियसली। यार मैं ऑफ कोर्स विराट को चूज करूंगा। विराट कोहली क्रिकेट फैन होते हुए अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखेंगे तो अच्छा फिनिशर भी हमारे पास कोहली है और वो छक्के मारने उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। विराट कोहली। विराट क्रिकेट का बादशाह विराट कोहली है। आपने बाबर क्यों चूज किया? बाबर यार आजकल ना पीक पे जा रहा है, बड़ी अच्छी बैटिंग मुझे उसकी पसंद आ रही है, उसने अभी पहले से तो काफ़ी इंप्रूव कर रहा है, स्ट्राइक रेट भी उसका अच्छा चल रहा है, तो इसलिए मैंने बाबर चूज किया। आप क्या कहेंगे यार बाबर के अगेंस्ट? तो मैं पहले हंस क्यों रहे थे आप? हंस मैं इसलिए रहा था कि यार जिम्बाब्वे है वो, से जिसे सीधी बात है माइनस टीम के अगेंस्ट खेलता है, जिम्बाब्वे से वो जीत नहीं सका वर्ल्ड कप के अंदर आप लोगों के सामने सारा, ठीक है ना, टुक टुक करके खेलता, तो क्या सेल्फ अपने स्टैट्स को इंक्रीज करने के लिए। अगर क्लास देखी जाए ना, आप जिस तरह बात कर रहे थे 5 बॉलों पे 5 छक्के चाहिए, 6 बॉलों पे 5 छक्के, तो वो आप देखिए विराट कोहली का देखें, वो आपने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट कहाँ से लेके गया, विन प्रेडिक्टर पे 15% इंडिया था और 85% पाकिस्तान था, अकेला वन मैन आर्मी वहाँ से खींच के लेके गया ये जिम्बाब्वे, ऐसा सोच सकता है कि वहाँ से कोई लेके जा सके आगे? क्या कहेंगे आप? मैं भी फिर विराट को चूज कर लेता हूँ। वो भी भाई विराट की तरफ हो गए यार, क्या इसका, इसका अपना कोई मोटिव है ही नहीं, इसे पता कि जिम्बाब्वे जो है वो किस लेवल का बंदा है, एक कल के बच्चे हैं यार, ना दाढ़ी ना मूंछ, इनको सीधा सा क्रिकेट खेलनी आती नहीं है, विराट कोहली का देशद्रोही बंदा है। मैं फिर भी थोड़ा यहाँ पे पैट्रियोटिक पैट्रियोटिज्म दिखा रहा हूँ। विराट बाबर आजम, बाबर बाबर आजम ने तेरी पहन लेती हुई है जो है ना भैया। आपको पता है बाबर आजम के इंस्टाग्राम पे फॉलोवर कितने हैं जो आप कह रहे हैं बाबर आजम? हाँ पता है, मुझे पता है, मैं उसका फैन हूँ, फैन यार 3-4 मिलियन है भैया। आपको पता है 247 मिलियन फॉलोवर है उसके, हमारे विराट कोहली का। आप बात कर रहे हैं बाबर आजम? हाँ यार, अब आपका मुंह खुला रह जाए, ये बंद नहीं होना, ये बाबर आजम ने बल्ला दे के बंद कर दे रहा। बट अगर हम विराट कोहली का मुकाबला करेंगे तो वो बाबर आजम, ये एक अनकम्पेरेबल लेजेंड्स हैं दोनों। तो मैं ये कहूँगा कि बाबर आजम भी हमारा लेजेंड है और विराट कोहली भी एक क्रिकेट लेजेंड है, उनका बहुत बड़ा एरा गुजरा है, तो हमने देखा है कि उन्होंने बड़े बड़े मुश्किल लम्हात में जो है मैच को निकाला है अपनी टीम के लिए। तो साफ ज़ाहिर है अगर आप फिनिशर की बात करेंगे और पावर हिटिंग की बात करेंगे तो डेफिनेटली विराट कोहली, और पावर हिटिंग कर सकते हैं हमारे बाबर आजम, लेकिन एज कम्पेयर टू विराट कोहली वो कभी भी उनके जैसे फिनिशर अभी तक नहीं है। बात यह है कि अगर आप क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से देखो ना, क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से ऑलवेज आप देखो कि जो खेलता अच्छा है, ये ना देखो भाई ये मेरे कंट्री का है तो ऑब्वियसली मैं इसी को सपोर्ट करूंगा। आप अपने छक्कों को जो है प्रमोट करके कह रहे हो कि जी क्लास है, क्लास नहीं है। अगर आप देखो तो बेन स्टोक्स एक नाम है, एबी डिविलियर एक नाम है, एमएस धोनी एक नाम है, कोहली एक नाम है, ठीक है ना। ये आपके जिम्बाब्वे जुम्बूबर जो है ये जिम्बाब्वे के खिलाफ थोड़ा बहुत चल के। बाबर आजम के इंस्टाग्राम के फॉलोवर सिर्फ 3 मिलियन है और विराट कोहली के तो आपको पता ही होगा 247 मिलियन फॉलोवर है उनके। जमीन आसमान का फर्क है, वो स्पोर्ट्स के साथ साथ अपने प्लेयर्स को ब्रांड भी बनाते हैं। यार इस जन्म में तो बाबर से नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, उसके पास की बात ही नहीं है, विराट को नहीं काट पाएगा। विराट को कहीं भी नहीं, दूर दूर तक। विराट के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हैं आप? तो मैं ये इस बात पे हैरान हूँ। आप वो एक मुहावरा है ना कि अंधों में काना राजा, अब हमारी पाकिस्तानी टीम में उसके लेवल का कोई है नहीं इसलिए हमने इसको चढ़ा लिया, नहीं तो ऐसा कोई इसमें बात है नहीं। ऑब्वियसली विराट कोहली के वो मैच अगर कोई फंसा हो तो वो मैच को उधर लेवल पे ले आता है कि नेक्स्ट प्लेयर अगर आउट भी हो जाए तो अगले उसके प्लेयर जिता सकते हैं। हमें तो हर इस को छक्का मारा था, वही नहीं भूल रहा अभी था। और इन पे कोई मैसेज विराट कोहली के लिए? बस यही है, बाबर अच्छा बन सकता है विराट, क्योंकि विराट कोहली जो है ना ये काफ़ी आगे का प्लेयर है ये, क्योंकि मैं नहीं समझता बाबर उस लेवल का प्लेयर है जितना विराट कोहली है, क्योंकि विराट कोहली की एक अपना उसका लेवल है। जैसे कि आप जानते हैं कि वो वैसे भी दुबई में ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, और विराट कह लेंगे जैसे सचिन तेंदुलकर था वो उसकी जगह आया है, तो मैं समझता हूँ कि विराट कोहली जो है वो एक नेक्स्ट लेवल का है। अच्छा, बाबर को कितना टाइम लग जाएगा विराट को बीट करने में?
यार ये तो डिपेंड करता है उसके ऊपर, जैसे कि पाकिस्तान में है ना तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना आगे जाएगा। विराट को सपोर्ट करने वाले काफ़ी बड़े क्रिकेटर थे जो उनकी अंडर है कि उन्होंने इतना आगे गया है, और पाकिस्तान में वो बेचारा अकेला है।